जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन है क्या? एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन ना दो तरीके की है यार। एक तो डिस्ट्रैक्शन वो होती है जो हमने खुद बना ली अपने लिए कि यार हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। एक डिस्ट्रैक्शन होती है जो थर्ड पर्सन मतलब दूसरे बंदे के थ्रू डिस्ट्रैक्शन बनाई जाती है ना, वो होती है। अब पहले हम बात करेंगे कि यार खुद की बनाई डिस्ट्रैक्शन क्या है। अब समझ लो जैसे हम मतलब किसी भी फील्ड में, अब मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ और मेरा कहीं घूमने का मन है और मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, तो वो चीज़ ना मैं अपने आप को तो कहूँगा कि नहीं यार मेरे को फोकस करना है, अपने गेम में रहना है, कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ खेलता रहूँगा। बट मेंटली ना मेरे दिमाग में वो चीज़ घूम रही है कि यार मेरे को घूमने जाना है, मेरे को यहाँ जाना है। तो वो चीज़ ना मुझे ना चाहते हुए डिस्ट्रैक्ट करने लगेगी कि यार तेरे तो मेरे को घूमना है, खेलना है, वो तो परमानेंट जॉब है, वो तो करनी है। बट क्या है, मैं घूमने नहीं गया ना तो उस वजह से मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो इस चीज़ से कभी भी फ्री होना हो ना तो यार कहीं भी जाने का मन है ना, घूमने का मन है, पार्टी करने का मन है, तो उसे कर लो, जिससे जो तुम्हारा फोकस है ना अपने गेम के थ्रू या कोई भी जॉब है या एक्सपायर कुछ भी चीज़ है तो उस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, ये हमारी खुद की बनाई होती है कि यार मेरा तो फोकस करना है, मुझे फोकस करना है। और जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो वो भी वही वजह है कि यार पार्टी, इसलिए उस चीज़ को कर लो, उस चीज़ को करके ख़त्म करो, फिर देखो क्या अच्छा फोकस आता है। एक डिस्ट्रैक्शन ये हो गई, एक है कि यार लोगों के थ्रू कि हमने जो पार्टी वार्टीज करी है ना उसमें जो अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे घर में, एक तो सेकेंड ये कि हमारे घर में जो भी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो जो तीसरा बंदा होगा ना वो उनको जाके बताएगा कि यार तुम्हारा तो ये मतलब ऐसे बंदा है, ये तो डिस्ट्रैक्ट है, ये लड़का तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, ये लड़की तुम्हारी डिस्ट्रैक्ट है कि भाई ये तो पार्टीज कर रही हैं, घूम रहे हैं ये लोग, तो ये लोग क्या करेंगे, अपने गोल के प्रति फोकस है ही नहीं इनका। एक्चुअली इस वजह से क्या होता है, जो हमारे जो बंदे हम पे सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो हम पे बिलीव कर रहे हैं, उनके अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार ये बंदा फोकस है भी या नहीं, कि मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूँ, मैं इस पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये अपना पार्टीज़ में लगा हुआ है, इन्जॉय कर रहा है। बट ये चीज़ ही आती है कि यार जो तीसरा बंदा है, क्योंकि वो तो हमें जानते नहीं ना कि हम अपने प्रति कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट वो सेल्फ डाउट पैदा कर देता है हमारी फैमिली में, जिससे वो चीज़ें बढ़ जाती हैं कि यार फिर वो बंदा ना चाहते हुए डिस्ट्रैक्ट होने लगता है कि यार मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बट उसके बाद भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बंदा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो इस चीज़ से निकलने का सबसे अच्छा भैया अपने अपने ना माइंड को बहुत क्लियर रखो कि यार मेरा गोल क्या है। देखो बाहर निकलोगे ना तो डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी, तुम किसी भी फील्ड में हो जाओ कि डिस्ट्रैक्शन तो आनी किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। बट तुम अगर मेंटली स्ट्रांग हो ना कि नहीं यार मेरे को तो ऐसे करना है, ये करना है, बात खत्म, चाहे मैं कितने भी दिन कुछ भी और कर लूँ। मैं अब ये है कि यार ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बंदा किसी चीज़ में फोकस है तो वो 24 घंटे उसी चीज़ को करेगा, नहीं। खेलना, घूमना, फिरना, हर चीज़ ज़रूरी है। जितना तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा, फ्रेश रहेगा, उतना ही तुम अपनी चीज़ पे फोकस कर पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन मीन्स नथिंग, जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, कि अपने तुम माइंड से कितना रिलैक्स और क्लियर हो ना उतना ही तुम अपनी चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो दूसरा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उस चीज़ को इग्नोर करो। बस तुम्हें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि यार मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं। डिस्ट्रैक्शन परमानेंट चीज़ों में अगर चली गई ना तो वो वहाँ ख़राब हो जाती है कि भाई तुम्हें कोई दूसरी चीज़ दिखी, तुम्हें उसमें मज़ा आने लग गया कि यार अपने गोल से भटक के ना तुम उस चीज़ में घुसने लग गए और तुम उस चीज़ में मज़ा आने लग गया। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो ख़राब करती है इंसान को, और कुछ नहीं है। बाकी टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग यार, कुछ भी नहीं है और होना भी चाहिए यार। मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रैक्शन होगा ना जितना, उतना तुम्हें अपने गोल के ना ये पता रहेगा कि यार मेरी चीज़ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो पहली बात तो हो ही नहीं सकता कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और उसके बावजूद भी तुम अपने गोल पे लगे हो ना, उस चीज़ को मतलब करने के बाद भी वापस अपने गोल पे आ गए हो, तो तुम्हारा गोल हाँ एक्चुअल में है कि तुम उस चीज़ को करना चाहते हो। बट अगर तुम कोई भी छोटी, क्योंकि यार देखो कुछ भी करोगे ना तो छोटी मोटी चीज़ें आएंगी, और तुम उस छोटी मोटी चीज़ में लग के घुसे ही रह गए, उसी चीज़ में ही लगे रह गए, तो फिर वो जो तुम्हारा गोल है ना वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो वो है डिस्ट्रैक्शन।